बोले क्या सबको मारना चाहती हूँ। राधे पीछे हट जाओ ना, भगवान कन्हैया ने कहा दामा शांत हो जा, राधा आज शक्ति है, जब तक राधा में शक्ति है तब तक कृष्ण में भक्ति है, बिना राधा के सब अधूरा है। वो कहते भी है कि श्याम के बिना तुम आधे और तुम्हारे बिना श्याम, आधे बोलो राधे राधे। तो देवियां हमारी आद शक्ति का रूप है, बोलिए गोविंद भगवान की। बोले भैया सभी भक्तों को राधे राधे। मेरा नाम जीतू बघेल है और मैं आपके पास जलेसर के पास मेरा गांव है महानमई, वहां का रहने वाला हूं। भाई प्रोफेशन मैं सिंगर कंपोजर एक्टर हूं। तो यहां पर आज जो है मेरे छोटे भाई पवन और सोनू सभी ने इनवाइट किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और यहां की कुलहरिया गांव की युवा कमेटी जो कथा भागवत करा रही है, उन सभी युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है कि कलयुग में अगर कथा श्रवण भी की जाए, कानों में अगर श्रीमद् भगवत कथा का कोई शब्द भी पड़ता है, तब भी हमारे पाप जो है कम हो जाते हैं। तो ये मुझे बड़ा सौभाग्य मिला कि यहाँ पर जो मैं साध्वी रौली जी के मुखर बिंदों से कुछ शब्द सुन पाया मैं। हालांकि मैं इस्कॉन में जाता रहता हूँ, मैं काफी कृष्ण भक्त हूँ और मैं सबको बोलता हूँ कि मैं ब्रज में पैदा हुआ हूँ, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। यहाँ बैठे हम सभी ब्रजवासियों का बड़ा सौभाग्य है कि हमें ब्रज में जन्म मिला है। साध्वी जी बहुत अच्छा लगा, ईश्वर से हम कामना करते हैं आपके बारे में, सुन के बड़ा अच्छा लगा कि आप कथा करती हैं और ऐसे ही ईश्वर से हम कामना करते हैं कि आपको दिन रात सभी भक्तों का प्यार आशीर्वाद मिलता रहे और आप कथा करते हैं। जितने भी भक्त यहाँ बैठे हैं, ज्यादा भक्ति करें या ना करें, साधु संगत जरूर कीजिएगा। ये बात मैं अपने बाबा जी से सीखा, मैं मेरे बाबा व्यापारी थे तो उनके गुरु थे स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी। वो हमेशा वृंदावन जो है 15 दिन रहा करते थे, बार बार की पूरी साल नहीं जाते थे। तो जब भी आते थे वो यही कहते थे कि साधु संगत हमेशा करनी चाहिए, चाहे आप साधु बनो या मत बनो, आध्यात्मिक जरूर बनना चाहिए। और आध्यात्मिक बनने का मतलब ये नहीं है कि आप साधु बन जाओगे, आध्यात्मिक चीजें आपको जीवन असली जीवन से मिलाती हैं कि आपके जीवन का मकसद क्या है। हम सभी का कुछ न कुछ मकसद होता है, युवा साथी हैं, युवा हैं तो उन्हें पढ़ना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है। मैं कहता हूँ आप आध्यात्मिक से जुड़िए, आप डॉक्टर इंजीनियर जरूर बनेंगे, क्योंकि ये भटकने से चीजें बचाती हैं आपको। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, ज्यादा शब्द नहीं बोलूंगा और एक विनती करूंगा, एज एन आर्टिस्ट में चुनाव का समय चल रहा है, आप अपना मतदान जरूर करें। ये भी आगरा लोकसभा में लगता है और यहाँ से हमारे कुल के, मैं उनको अपना देवता मानता हूँ, माननीय सांसद श्री एसपी सिंह बघेल जी, उनके पक्ष में करेंगे तो और मुझे और भी अच्छा लगेगा। भाजपा की अपना मत आप जरूर करें, किसी को भी करें। एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है कि मुझे भी सभी से अपील करनी चाहिए, इस क्षेत्र का हूं और मेरे क्षेत्र से माननीय सांसद जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पक्ष में करेंगे आप जो है मतदान तो और भी अच्छा लगेगा। राधे राधे। बोली सावरे सरकार की जय।
शक्ति है, राधा में शक्ति है तो कृष्ण में भक्ति है, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि देवियां तो आज शक्ति का रूप है, सुखदेव जी ने इधर भगवान कन्हैया गोवर्धन पर्वत को एक दिन नहीं दो दिन नहीं, महाराज परीक्षित जी 7 दिन तक धारण किए रहे, मूसलाधार बारिश भी ब्रजमंडल में बराबर 7 दिन 7 रात पड़ती रही, लेकिन ब्रज में भगवान के चरणों यादवें सरकार योगी राज कन्हैया का ऐसा भाव रहा, ऐसी शक्ति थी कि एक भी बारिश का कोई भी असर पड़ा ही नहीं, ब्रज में एक बूंद नहीं पड़ी। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से प्रश्न कर दिया कि महाराज एक हमारे दिमाग में शंका है। बोले क्या? बोले 7 दिन 7 रात बारिश पड़ती रही लेकिन ब्रज में एक भी बूंद का असर नहीं आया, ये सब पानी कहाँ गया? परीक्षित जी को सुखदेव जी ने समझाया, कारी राजा परीक्षित, गोवर्धन पर्वत इतना ज्यादा गर्म हो गया था कि हर बूंद भाप बन करके जल गगन मंडल की ओर वायुमंडल की ओर चला जाता था। दूसरा भी महाराज जी प्रमाण है, बात है महाराज परीक्षित जी त्रेता की, त्रेता में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी 12 कलाओं से जन्म लिया है, लीलाओं को धारण किया है, सारी मर्यादाओं का पालन किया, जब भगवान राम वनवास से लौटे हैं पूरी लीलाएं हुई है, तो जानकी जी ने कहा कि अब लीला पूर्ण हुई है, एक मेरी अंतम इच्छा है। बोले क्या? बोली मेरी इच्छा ये है कि सारी लीलाएं पूर्ण हुई, आज मेरी भगवान आपसे एक प्रार्थना है कि एक संत समागम किया जाए, महात्माओं को एक जीवनार का आयोजन करवाया जाए, तो उसमें संत महात्मा ब्राह्मण विद्वान ज्योतिषी सभी लोग आए हैं, बड़े बड़े संत भगवान आए हैं, और उसी दावत में अगस्त मुनि नामक एक महात्मा जी आए हैं, सभी ने दादाजी भोजन पानी किया, आत्मा तृप्त हो गई, दान दक्षिणा लिया, राम जी के द्वारा चले आए, लेकिन विद्वान समाज है, राम जी ने अगस्त मुनि ने जब भोजन किया तो भोजन से आत्मा तृप्त हो गई, लेकिन यज्ञपति महाराज जल से किसी ने आत्मा को तृप्त नहीं कर पाया, पानी आता है कम पड़ जाता है, समाप्त हो जाता है। राम जी बोले ये तो बड़ी विडंबना है, बड़ी कहानी हो गई, प्यास नहीं महाराज जी की शांत हो रही है, राम जी की पूरी सेना लग गई, पूरी ताकत लगा दी, पूरा समय लगा दिया, लेकिन पानी पर कोई असर पड़ता ही नहीं, प्यास लगी तो लगी बुझ नहीं रही। राम जी बोले ये तो परीक्षा की घड़ी है, अभी हम मर्यादा के बंधन में बंधे हैं, अभी हम मर्यादा के खिलाफ कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, क्या होना चाहिए? तो राम जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले हे संत भगवान, समानी हमारे बड़े भैया जीतू सिंगर बघेल, समानी जीतू सिंगर बघेल भैया के द्वारा जो बड़ा अच्छा भी आप लोगों को बोल रहे थे कि जरूरी नहीं कि संत महात्मा बैरागी बन जाओ, धूनी ही रमाओ, अगर बैरागी कोई जरूरी नहीं कि कपड़ों से ही आप बाबा बन सकते हो, ऐसे ही वेशभूषा में न जाने कितने महात्मा परमात्मा से जुड़े बैठे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप लाल बिरंगे कपड़े ही पहन लो, हर कोई महात्मा नहीं बन सकता है, लेकिन कम से कम महात्माओं की संगति में तो बैठ सकता है महात्माओं, क्योंकि महात्मा हमें परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं। बोली गोविंद भगवान की, समानी जीतू सिंह बघेल भैया सिंगर भी है, और भैया के द्वारा 501 रुपए से हमारा सम्मान हो रहा है, और समानी हमारे जीतू सिंह बघेल भैया जी के द्वारा, सिंगर जी के द्वारा, उनके साथ में डॉक्टर ललित बघेल जी का भी आगमन हुआ है, बड़ा मुझे गर्व है जो हमारे परिवार में ऐसे महान लोगों का जन्म हुआ है, जो अपने धर्म का पालन करते हैं और अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, इसके लिए जोरदार तालियां समानी ललित बघेल जी के लिए, समानी जीतू सिंगर बघेल भैया के लिए, भैयाओं के लिए जोरदार तालियां एक बार दोनों भैयाओं के द्वारा, यानी 1101 मुद्राओं से हमें व्यास मंच पर सम्मानित किया जा रहा है। मैं भैया के लिए भगवान से ठाकुर जी से कामना करती हूँ कि भगवान
इनकी हर इच्छा पूरी हो और ऊंचाइयों को छुए, समाज का नाम रोशन करें। बहुत बहुत दीर्घायु की कामनाएं। ऐसे भाइयों से मैं अपने लिए आशीर्वाद की कामना करती हूँ। बोली गोविंद भगवान की। मेरे भैया राम जी ने कहा भी हमने मर्यादा के बंधन में बंधे हैं, 12 कलाओं से मेरा जन्म हुआ है, अभी हम मर्यादा के खिलाफ कोई भी संत महात्मा कार्य नहीं कर सकते हैं, भगवान हमें क्षमा कर दो। राम जी भी जल पिलाने लगे, जानकी पिलाने लगी, प्यास पर असर नहीं पड़ा। राम जी और जानकी ने हाथ जोड़ लिए, महात्मा जी मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं मर्यादा के बंधन में बंधा हूँ, लेकिन मैं वचन जरूर देता हूँ कि ये द्वापर का युग, ये त्रेता का युग है, द्वापर में जब हम 16 कलाओं से अवतार धारण करेंगे, कृष्ण रूप में आएंगे, राम रूप को त्याग कर कृष्ण रूप धारण करूंगा और 16 कलाओं से अवतार धारण करूंगा। मामा कंस की जेलों में, मथुरा में, गोकुल में मैं ये यशोदा नंद बाबा के यहाँ पालन पोषण होगा, और जब मैं द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा तब मैं लीलाओं को करूंगा, तब मैं तुम्हारी प्यास को शांत करूंगा, तब मैं तुम्हारी प्यास को बुझाऊंगा। तो भागवत में प्रमाण मिलता, विद्वान समाज है, आप लोग शंका न करें। त्रेता का दिया हुआ वचन ठाकुर जी ने सिर द्वापर में आकर के महाराज पूर्ण किया है। बोलिए गोविंद भगवान की। इसीलिए प्रमाण मिलता है कि ब्रज में कोई बारिश का असर नहीं आया, भगवान का नहीं है, ठाकुर जी का चरणों का प्रताप था, छत्र छाया थी, इंद्र के जो मेघ गए थे वो सब महाराज वापस लौट आए। इंद्र से महाराज रोने लगे, बोले महाराज हमने सारी ताकत लगा दी लेकिन वहां कोई भी बारिश का असर नहीं आया, कृष्ण के चरणों का प्रताप है, वहां कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। इस प्रकार भगवान कन्हैया ने पूजा इंद्र की न करके गोवर्धन की करवाई, अंधकार से ब्रजवासियों को प्रकाश की ओर पहुंचाया और इंद्र का घमंड चूर चूर किया, और भगवान कन्हैया ब्रजवासियों को वृंदावन में भेजते हुए मधुवन में गाय चराते ग्वाल बालों के साथ आते हैं। इंद्र को जब ये मालूम हुआ कि हमारे मेघों ने सारी ताकत लगा दी लेकिन कृष्ण के वहां पर ऐसी माया छत्र छाया है कि कोई बारिश का असर नहीं ब्रज में आया, तो इंद्र महाराज ऐरावत हाथी पर बैठकर कामधेनु गाय को साथ लेकर, देवताओं को साथ लेकर के आज मधुबन में आया और चरणों में मस्तक रख लिया। हे ब्रह्म मेरा घमंड चूर चूर हुआ, आप ब्रह्म का अवतार हुआ, प्रभु हमें क्षमा कर दो। हे दीन बंधु, हे दुखी हरता, भगवान मेरे भी दुखड़े दूर करो, प्रभु हमें क्षमा कर दो, मैं क्षमा चाहता हूँ। चरणों में मस्तक रख करके जब तेजी तेजी से इंद्र रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, तो भगवान ने कहा इंद्र जीवन में नित्यम मम कथा यस्त पुराणनम पढ़ते नरा, भगवान की कथा को सुनो, भगवान को मानो और कितना भी कुछ मिल जाए लेकिन अहंकार करना नहीं चाहिए। अहंकार तो परमात्मा का भोजन है, ब्रह्म का भोजन है, इसीलिए जो घमंड करते हैं वो अहंकार का भोजन करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। अहंकार में जीना नहीं चाहिए। याद रखना भगवत श्रोताओं, आज इंद्र ने घमंड मारा चूर चूर, आज इंद्र का घमंड भगवान ने चकना चूर किया। इस प्रकार से पूजा इंद्र की नहीं गोवर्धन पर्वत की करवाई है। इस प्रकार से महाराज आज सभी लोग ब्रज से आकर के महाराज वृंदावन में प्रवेश कर जाते, वृंदावन के वासी हो जाते हैं। आइएगा भगवान कन्हैया किस प्रकार से मामा कंस का वध करते हैं, क्योंकि पाप का गड़ा भरता है तो फूटता जरूर है। बहुत आनंद आएगा, मार्मिक कथा में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इस प्रकार भगवान ने पूजा गोवर्धन पर्वत की करवाई। आइएगा सभी लोग ताली बजा के एक भजन गाएंगे, गुनगुनाएंगे हरि नाम का, और इसके बाद बहुत सुंदर कथा है और शरबत तो आज चल ही रहा है, तो मीठा मीठा पीते रहो, मीठा मीठा गाते भी रहो। आइए Yeah.
दुनिया नाली की। पांच सुंदर कथा जरा भाव के साथ ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओ, एक सुंदर सा भजन होना चाहिए।
श्याम, सभी लोग बैठ जाए। श्री